राह यहाँ है मुश्किल बड़ा, इन्हीं राहों पर चलना यहाँ, चलते चलते है रुकना मना, संभल के कदम तू रखना जरा। बच के जरा कदम तू रखना, गिरते संभलते थक जाएगा, भीड़ यहाँ मशरूफ बड़ा, लहरों की तरह सब बहते यहाँ, खुद को खोने का रहता है डर, पर ख्वाब तेरा क्यों। शौनक बेटा कैसा है? 3 दिन हो गए बेटा तेरा कॉल नहीं आया, सब ठीक तो है? नए पीजी में कोई दिक्कत? नहीं नहीं मम्मी सब ठीक है, वो बस मैं पीजी के लिए नई चाबी बनवाने आया था। तेरे मकान मालिक ने चाबी नहीं बनवा के दी? कैसा इंसान है। अरे ठीक है ना मम्मी, अब 100 रुपए की बात है। बेटा बंबई जैसे शहरों में ना 100-100 रुपए के लिए मारामारी हो जाती है। अच्छा मम्मी मैं ना घर पहुंच गया हूँ, अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ मम्मी, ठीक है? अभी शिट सॉरी सर। मुझे लगता है जिंदगी सिर्फ एक हद तक प्लान की जा सकती है, जैसे कि स्कूल में डेविड फिंचर की एक फिल्म देख लेना, जरूरत से ज्यादा इंस्पायर हो जाना, खुद की फिल्म बनाने का सपना देखना और मुंबई आकर एक स्ट्रगलिंग राइटर बनकर बस जाना। ये मेरी जिंदगी के वो पड़ाव हैं जिनके बीच का लिंक मुझे आज जरूर समझ आता है, लेकिन ऐसी और भी कई चीजें हैं जो इंसान की समझ के परे हैं। आप जो मुझे लिखने को बोल रहे हो वो कैरेक्टर में नहीं लिख सकता हूं। अरे बहू का पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा, अभी 3 दिन पहले तो उसकी शादी हुई है। नहीं 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 आप पहले मेरी बात सुनिए, ठीक है? एक तो आप पेमेंट टाइम पे क्लियर करवाते नहीं हो, ठीक है? रिवीजन मुझसे आप 1000 लिखवा लेते ऊपर से। नहीं मेरी टोन यही रह गई अब। आप पहले जाके अपने उस अकाउंटेंट से बात करिए, पूछे मेरा पेमेंट क्यों नहीं क्लियर हुआ अभी तक। हाँ थैंक यू वेरी मच। गोस्ट राइटिंग के नाम पे कुछ भी लिखवा लेते हैं। अरे हाँ अब एक और कैरेक्टर है मेरी जिंदगी में, कुलतार एस चटवाल, मेरी पीजी ओनर कम फ्लैटमेट और दुनिया के सबसे अतरंगी इंसान। ये एक ऐसे इंसान है जो 48 साल की उम्र में एक बीवी, 2 बच्चे, एक वेयरहाउसिंग बिजनेस और शहर में 3 रेस्टोरेंट्स होने के बावजूद अपने छोटे से फ्लैट के छोटे से लिविंग रूम में एक अय्याश बैचलर की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। उन्हें जरूरत पैसों की नहीं बल्कि हमारे जैसे अनजानों की है जो इन्हें कभी भी अकेला ना महसूस होने दे। ये दिन के 24 घंटे दारू पी सकते हैं, टीवी में उलझल उलझल चीजें देख सकते हैं, अपने से आधी उम्र के लोगों के साथ पार्टी कर सकते हैं, अपनी वफादार बाई से तेल मालिश ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद अपनी प्लेट नहीं धो सकते। ये इनके उसूलों के खिलाफ होता है। इन्हें कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि इनकी जिंदगी में कुछ भी उल्टा है। दरअसल रिग्रेट, शर्म या एम्बेरसमेंट ये सब इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। पिछले 1 महीने में मुझे इतना तो समझ आ ही गया कि कुछ लोगों को समझने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। अरे सोनक आना बैठना। नहीं सर वो बस। साउंड कम करना है? जी जी। डायरेक्ट बोलना यार, ऐसा क्या? और सर वो इस मंथ का रेंट नेक्स्ट वीक पे कर दूं तो चलेगा? यार माहौल देख के बात क्या करना यार, ये पैसे में से का लफड़ा बुलाने के लिए तो आदमी पीता है।
देख मैं तेरे को स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं तेरे को पैसे के लिए आ नहीं रखा है, मुझे कोई कंपनी देने वाला चाहिए। पैक बना के बैठना है तो बैठ, वरना कल सुबह बात कर। शौनक से एक बात बता, कुछ कभी किसी लड़की के साथ कुछ किया है कि सारा टाइम बस घिसता रहा? क्या शराबी, क्या शराबी, क्या शराबी, क्या तुम आजकल के लौंडे यार, डर जाते हो हर चीज से। अरे मेहनत करो यार, हाथ पैर मारो, अपनी जिंदगी को बनाओ। कहते ना, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। सर मेहनत ही करने आया था यहाँ पे, हाथ पाव ही मारने आया हूँ यहाँ पे। कुछ टाइम से ना सब कुछ झूठ लगने लगा है। मैंने यहाँ पे आके रियलाइज किया है कि जो मेरी ड्रीम है ना उस पे बहुत बड़ा कंडीशन अप्लाइड का बोर्ड लगा हुआ है। और कंडीशन ये नहीं कि मैं उसमें अमीर हो सकता हूँ या सक्सेसफुल हो सकता हूँ या ये कुछ नहीं, बस ये कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें मैं खुश भी हूँ। जब मैं लिखता था ना सर, तो पहले इसलिए लिखता था क्योंकि मजा आता था जिंदगी में, कुछ इंटरेस्टिंग लगता था, अच्छा लगता था, लोगों में शेयर करने का मन करता था। पर अब मजा ही आना बंद हो गया। ऐसा लगता है कुछ फर्क ही नहीं है, मतलब एक ही पैटर्न है ना, जैसे एक दिन से दूसरे दिन में कोई फर्क ही ना। बोली दिया एट लास्ट जो बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी। कुलतार साहब को भी शायद एक बात जरूर समझ आ गई होगी कि भले ही हमारी उम्र में फर्क हो, हमारी शिकायतें कुछ एक सी थी। पर जैसा कि मैंने पहले कहा ना, कुछ चीजें इंसानों की समझ से परे हैं। हाय, आई एम कावेरी चंद्रा, प्लीज टू मीट यू। वो मैं आपका पीजी देखने आई थी। If you don't mind, can I come in? अरे कौन है? मैडम वैसे आपको ये पीजी के बारे में पता कहाँ से चला? वो आपके ब्रोकर से नंबर मिला था ऑनलाइन और मेरे बजट से मैच कर रहा था तो सोचा एक बार देखा। बट आई एम रियली सॉरी इफ आई बॉदर्ड यू गाइस दिस लेट। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या ना मैडम, एक्चुअली ये बॉयज पीजी है। ओ इज इट, शिट, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा ये कोएड हॉस्टल जैसा कुछ है। गॉड आई एम सो स्टूपिड। कोई बात नहीं, मैं कहीं और जगह ढूंढ लेती हूँ अभी। I'm so sorry, कोई बात नहीं मैडम, काफी लेट हो गया, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या है कि जिस तरह से हम लोग रहते हैं ना, समझिए आप, मोस्ट वुमेन विल नॉट वांट टू स्टे हियर एनीवेज। अच्छा ये बात है, नहीं नहीं फिर आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मुझे एक्चुअली कहीं भी एडजस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं बहुत जगह पे घूमी हूँ। और वैसे भी मुझे आपका कमरा सिर्फ एक हफ्ते के लिए चाहिए, उसके बाद आई विल बी बैक इन लंदन। अच्छा तो आप ऐसे इंडिया घूमने के लिए आई हैं? वेल सॉर्ट ऑफ, बट आई जस्ट मेक श्योर कि मैं हर साल इंडिया में एटलीस्ट 2 महीने के लिए रुकूं। बहुत सारे आश्रमों में जाती हूँ, घूमती हूँ, सॉर्ट ऑफ लाइक अ बैकपैकर। एंड उसके बाद आई जस्ट गो बैक टू चेक इफ माय हस्बैंड स्टिल रिमेंबर्स मी। सो या, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई प्लीज यूज द वॉशरूम? या हाँ हाँ जी, यहाँ से आप राइट जाइए, वहीं पे दरवाजा, ठीक है, और थोड़ा संभाल लेना। हाँ नो वरीज, थैंक यू। और बस यूं ही हम भूल चुके थे कि हमारी शिकायतें क्या थी। कावेरी चंद्रा हमारी जिंदगी में एक हादसे की तरह आधमकी थी। हमें ताजुब था कि ये प्राणी हमारे बीच जी रहा है, मानो जिसके हाव भाव छाल चलन में ही एक अजीब सी कविता छिपी हो। Thank you.
हेलो कावेरी जी। अरे गुड मॉर्निंग कुलतार जी। गुड मॉर्निंग। मैं बस आप ही के पास आ रही थी। वो आपको पता है झाड़ू कहाँ रखा है? अरे क्या परेशान हो रही है आप, सुबह सुबह आएगी बाई कर लेगी। कोई परेशान नहीं हो रही हूँ कुलतार जी, इनफैक्ट आई एंजॉय क्लीनिंग अ लॉट, सॉर्ट ऑफ लाइक माय गिल्टी प्लेजर। अब आप बताएंगे कि झाड़ू कहाँ रखा है वरना आपके कमरे में पहुंच जाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, आप रहने दीजिए, थैंक यू वेरी मच। वो झाड़ू नीचे रखिए, ले लीजिए। थैंक यू। पता नहीं अपने बेडरूम का दरवाजा क्यों नहीं बंद करती थी, शायद उन्हें अपनी प्राइवेसी से उतना लगाव ही नहीं था, या शायद वो चाहती थी कि हम कुछ चीजों पर दोबारा गौर करें, और उनके रहते शायद इनके मायने भी समझ लें। कावेरी जी। हाय कुलतार जी। मेरे पास ये कुछ लाइट्स पड़ी हुई थी, मैं तो जलाता नहीं हूँ, आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। That's so sweet of you, कुलतार जी, but जैसे आप देख रहे हैं, my hands are already full। अरे अरे हाँ, मदद करते हैं ना हम आपकी। अरे मेरे पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो आप यूज कर सकती हैं, एकदम कमरा सजा देंगे आपका। अरे शौनक, शौनक, अरे इधर आना यार। अब मैंने अपनी जिंदगी में सब देख लिया था। वो इंसान जिसने पिछले एक महीने से अपनी बेडशीट तक नहीं बदली थी, वो आज अपने घर का नक्शा बदलने चला था। शायद सही ही कहते हैं, वंस एनर्जी कैन गेट इन्फेक्शियस। समझना बस ये बाकी रह गया कि आखिर इन सब से फर्क क्या पड़ता है। कमरे के कोने भले ही बदल जाएं, रहने वाले लोग तो वही रह जाते हैं ना। पर हां, ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ था। सॉरी कावेरी जी, आपको खाना बनाना पड़ रहा है, मेड ही नहीं आई। ओफो कुलतार जी, आप भी पता नहीं क्यों मेरे ही फेवरेट काम के लिए मुझसे बार बार सॉरी कहते रहते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार मेरे हाथ का खाना खाओगे ना, फिर आप ही कहेंगे थैंक गॉड मेड नहीं आई। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछे पूछे, दो पूछिए। आप हमेशा ऐसे खुश कैसे रह लेती हैं? मतलब जब भी आपको देखो किसी ना किसी बात को लेके आप एक्साइटेड रहती हैं, ऐसा क्या करती हैं आप जो हम नहीं करते हैं? सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है कि कोई मुझसे सवाल पूछ रहा है। क्यों, मतलब आपसे नहीं तो और किससे पूछेंगे? तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं इंडिया घूमने के लिए आती हूँ या नहीं। आज से 3 साल पहले जिंदगी में पहली बार मैं इंडिया घूमने के लिए नहीं, सुसाइड करने आई थी। मेरी बेटी 2 साल की थी जब अचानक से एक रात उसे बहुत बुखार आ गया। घर की दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी तो बस मैं और मेरे हस्बैंड उसे हॉस्पिटल लेकर गए। शुरू शुरू में हमें लगा कि शायद इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बच्चों का क्या है, बुखार आता जाता रहता है ना। लेकिन हम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे कि एक ही घंटे में डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि शीड कॉन्ट्रैक्टेड दिस रेयर केस ऑफ निमोनिया। She couldn't survive. Oh, you know, उसके just एक दिन पहले वो मेरी गोद में खिलखिलाकर हंस रही थी, मेरे बाल नोच नोच के मुझसे खेलने की कोशिश कर रही थी। She was just starting to speak and crawl and what not.
पर उसके अगले ही दिन वो बस चली गई, जस्ट लाइक दैट, विदाउट इवन सेइंग अ सिंगल गुड बाय टू हर मामा, हु लव्ड हर द मोस्ट इन दिस एंटायर वर्ल्ड. इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को वापस नहीं बुला सकती, तो क्या हो गया, मैं तो उसके पास जा सकती हूँ. That's when I decided कि मैं गंगा जी में सुसाइड कर लूंगी. लेकिन जिस दिन मैं सुसाइड करने गई उस दिन मेरे साथ कुछ अजीब सा हो गया. मैं नदी की ओर बढ़ ही रही थी, पानी में कदम रख ही रही थी कि सामने मुझे एक बूढ़े आदमी दिखाई दिए, और जैसे ही वो मेरे करीब आए उन्होंने मुझसे कान में एक अजीब सी बात कही. मैं उससे पहले उन्हें कभी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे खोज पर निकलना होगा. मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की पर वो रुके ही नहीं, बस आगे चलते गए. सो या आई थिंक मैं उसी खोज पर हूं, बिकॉज जस्ट द थॉट ऑफ मीटिंग माई डॉटर दैट कीप्स मी अलाइव एंड होपफुल. कैसा लगा? कभी सोचा नहीं था कि आलू गोभी खाकर भी इतना इंप्रेस हो सकता हूँ. न्यू इट. जनरली नाइस. थैंक यू. कुलतार जी कहाँ रह गए? कुलतार जी चलिए ना, खाना ठंडा हो रहा है. आ रहे हैं. आइए आइए बैठिए और जरा हमारा खाना चखिए. कहा था ना वो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ. देखिए आपके सामने विटनेस बैठा है. हमें कोई शक थोड़ी था इसमें, आप हाई टैलेंटेड. अरे मल्टी टैलेंटेड है. ओ कावेरी, मुझे ना खाने के साथ एक छोटा सा लेने के आया. ऑफ कोर्स प्लीज गो अहेड. आप लेंगी? नो आई डोंट ड्रिंक. थैंक यू जी. पर मैं ड्रिंक नहीं करती तो क्या हो गया? चीयर्स तो कर ही सकती हूँ. चीयर्स टू लाइफ. लाइफ. वैसे कावेरी जी, डोंट माइंड मी आस्किंग, बट आपकी वो कहानी पूरी नहीं हुई थी. वो बूढ़े आदमी ने आपको किसी खोज पर जाने को बोला था ना यार, वो क्या था एग्जैक्टली? अरे बेटा ये लोग पर्सनल मैटर होता है, ऐसा नहीं करते. बड़ी बड़ी बोल पर नहीं पूछते. नहीं नहीं कुलतार जी, आई डोंट माइंड इट एट ऑल प्लीज. एक्चुअली मैं खुद उस वक्त काफी कंफ्यूज थी. 6 महीने तक बहुत घूमी और इतना भटकने के बाद मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि आखिर वो बूढ़े आदमी मुझसे क्या खोजने को कह रहे थे. क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो. दारू? और एक ऐसी ब्रांड का जिसका नशा कभी ना उतरे. अब तो जरूर कुछ देसी होगा. हर्रे जैसा. करेक्ट. इतना देसी कि ये हर जगह बनता है और इसके खरीदने के पैसे भी नहीं लगते. अरे मैं बता रही हूँ, अगर इसका नशा ट्राई कर लिया ना तो फिर इसके सामने सारे नशे फीके लगने लगेंगे. कावेरी जी, मैंने जिंदगी में सारे नशे कर लिए, अब जरा बता भी दीजिए ऐसा कैसा नशा है जो उतरता ही नहीं. ऐसे नहीं कुलतार जी, अगर आपको सच में जानना है ना तो आप दोनों को मेरे साथ कल सुबह 6 बजे कहीं चलना होगा, और वैसे भी मेरी कल शाम की फ्लाइट है तो सोचा कि आप दोनों को इस नशे का एक डोज गिफ्ट करके जाऊं. बोलो करोगे ट्राई? परफेक्ट. कुलतार जी नेकी और पूछ पूछ, भाई नशे के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. क्या बात है. ठीक है तो फिर कल सुबह 6 बजे डन. इसको उठा लीजिएगा, हम तो उड़ जाएंगे.
अरे सर, कितनी बार समझाऊं आपको? सुनिए, सास बहू का झगड़ा समझ में आता है, ठीक है, लेकिन 60 साल की सासू माँ को डायन बना के उसका खून थोड़ी चुसवा देंगे, हद हो गई यार। नहीं, मैं ऐसी ही बात करूंगा, मेरा यही टोन है। आप पहले पेमेंट क्लियर करवाइए, वो होता नहीं है। अच्छा प्रमोद जी सुनिए, मैं अभी आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या गुड मॉर्निंग यार, तू तैयार नहीं हुआ? आप लोग ही चले जाओ, मैं फिर कभी ट्राई कर लूंगा। मैं फिर कभी की गारंटी नहीं दे सकती, चुपचाप चलो अभी। अरे वैसे भी क्या दिख जाएगा अभी, हर जगह गंदगी फैली रहती है इस शहर में। आई अश्योर यू आज कुछ अलग दिखेगा, और अगर आंखें बंद रखोगे ना तब भी दिखेगा। चलो गाइस लेट्स गो, प्लीज लेट हो जाएंगे हम। मैं तैयार हूं जी। चलो जी, चलो चलिए। अब जो मैं आप लोगों से कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ इसे समझना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, पर कुछ टाइम के लिए हो सके तो मुझ पे थोड़ा भरोसा कर लो। चाहे कुछ भी महसूस हो उससे भागना मत। कोशिश करो कि अपनी सारी पसंद नापसंद, सुख दुख, अच्छे बुरे के जजमेंट से थोड़ा दूर हटकर बैठ सको। अगर बाहर का शोर थोड़ा कम सुनाई पड़ने लगे तो अपने अंदर के शोर को सुनने लग जाओ, और अगर धीरे धीरे वो भी शांत हो जाए तब शायद आपको मेरी बात समझ आने लगेगी। वो क्या है ना, हम अक्सर इस दुनिया के उलझनों में इतने फंस जाते हैं कि उसी में छिपी खूबसूरती को कभी देख नहीं पाते। आप दोनों को लग रहा था कि शहर छोड़ देने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन ध्यान से ढूंढते तो इसी शहर में आपको ऐसी कई जगहें मिलती जहां पहुंचकर शायद आपको अपनी प्रॉब्लम्स याद भी ना रहती। पर आज सुबह उस बीच पे शायद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि बाहर की इन खूबसूरतियों से बड़ी भी कोई चीज होती है, वो नशा जिसे महसूस करने के लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस तसल्ली से एक बार अंदर झांक लेना ही काफी है। बट एक बात आप दोनों याद रखना कि जो एक्सपीरियंस आपको आज हुआ जरूरी नहीं कि वो रोज हो, बट द मेन थिंग इज दैट यू स्टे ट्रू टू योर प्रैक्टिस। बस एक दिन में टाइम डिसाइड कर लो एंड डू इट रेगुलरली। ओके ओके जी कावेरी जी, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए कुछ लाया था, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। कुलतार जी, Oh my God, it's beautiful. I love it. वैसे तो मैं इतनी ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, पर ये मैं बड़े शौक से पहनूंगी। Thank you so much. Welcome जी। चलो अब मैं निकलती हूँ, वरना फ्लाइट के लिए लेट हो जाऊंगी। अच्छा तो आप अब लंदन में ही रहेंगी? हाँ, पर आऊंगी ना फिर अगले साल, मेरी खोज अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो गाइज मैं निकलती हूँ। मैं लेता हूँ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ,
यू गाइस टेक केयर एंड स्टे इन टच ओके ओके बाय बाय शौनक कावेरी जी एक लास्ट बात पूछनी थी हाँ क्या आपको सच में लगता है कि आप अपनी बेटी से वापस मिल सकती हैं पता नहीं यार पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना मेरे पास अगर ढूंढना छोड़ दूंगी तो जीऊंगी कैसे Bye guys. See you.